रहमतुल्लाहि व बरकातहु। क्या हाल में आप सभी का खैर मकदम है। वर्दी अदालत और सियासी लीडरान, इस पर आज का मौजू। क्या कुछ वर्दी पहने अफसरान अपने फराइज से मुंह मोड़ते हुए रिश्वतखोरी में मुलविस है और इन पर सियासी लीडरों की पुष्टपनाही हासिल है। खैर, आज इस पर तस्करा इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि रामसेना हिंदुस्तान के रमाकांत कुंडुस्कर ने आज पुलिस कमिश्नर बेलगाम से मुलाकात कर मुतालबा पेश करते हुए कहा कि कुछ पुलिस अफसरान रिश्वतखोरी में मुबतला हैं और इनके पीछे सियासी लीडरों का हाथ है। अब वो किस सियासी लीडर की तरफ इशारा कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि कौन दक्षिण में बड़ा सियासी लीडर है। कई सियासी लीडरों की पुष्टपनाई हासिल है जिससे बेलगाम शहर के कई इलाकों में गांजा जैसी नशीली चीजों की खरीदो फरोख्त जोरों पर होने का इल्जाम लगाया। हासिल इत्तला के मुताबिक तमाम इल्जाम के पीछे सियासी मुफाद भी छिपा हुआ है, लेकिन अगर इसके तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हकीकत भी है कि वर्दी पहने कुछ अफसरान रिश्वतखोरी में मुलव्वस जरूर है। अब तो नौबत यहां तक आई हुई है कि अगर मियां बीवी का भी झगड़ा अगर पुलिस थाने पहुंचता है तो 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। बेलगाम शहर में अगर जुर्म की वारदातों का अंदाजा लगाया जाए तो इजाफा ही होता जा रहा है। कई मकानात निशाने पर है, कई घरफोड़ी की वारदातें हुई है, कई डकैती के मामले पेश आए हैं, यहां तक के मंदिरों में भी चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। वैसे तो पुलिस की तस्वीर पहले से ही तश्वीशनाक देखी जाती है, उमूमन पुलिस थाने का रुख करने से आम आवाम डर जाती है। पुलिस की गाड़ी महज तफ्तीश या तहकीकात के लिए भी आ जाती है तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगती है। इसकी वजह यह है और इसका मतलब यही निकलता है कि पुलिस से इंसाफ नहीं हो सकता, ऐसा एक जहन बन चुका है। इससे पहले पुलिस यानी किसी को भी किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है वाली तस्वीर देखी गई है। लिहाजा बेलगाम शहर में पिछले कुछ अरसे से ईमानदार अफसरान को भी देखा गया। ऐसा नहीं कि सभी इस तरह के हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि निचले सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले कांस्टेबल, हवालदार, सीपीआई आवाम से सही तरीके से बात नहीं करते, हमेशा अपनी वर्दी का रोब झाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी तस्वीर देखी गई है और कुछ लोगों को तजर्बा भी हुआ है। बात ऊपरी अफसरान तक नहीं जाती, जिसके नतीजे ये होते हैं कि पूरी इंतजामिया को ही कड़घरे में खड़ा करना पड़ता है। जुर्म का बढ़ता मियार और अब तो फ्रॉड मामलों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। साइबर क्राइम के साथ लैंड माफियाओं की गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, लिहाजा आम इंसान वर्दी सियासी लीडर और गुंडों के बीच पीसता नजर आ रहा है। पुलिस थानों में इंसाफ नहीं मिलता वाली ज़हनियत अक्सर आवाम के दरमियान देखी जा रही है। आज मुतालबा पेश करते वक्त रमाकांत कुंडुस्कर ने बताया कि गांजा पकड़ा गया, 5 किलो गांजा पकड़े जाने के बाद भी थाना इंचार्ज उन्हें छोड़ देता है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को मंजर आम पर लाने की कोशिश की जाती है तो 3 अफराधों को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर इन मुजरिमों के पीछे किस सियासी लीडर का हाथ है? वैसे तो किसी का नाम न लेते हुए दक्षिण के भाजपा लीडर की तरफ ही इशारा किया गया, ऐसा आवाम का कहना है, पर क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या उस सियासी लीडर और थाना इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसी भी बात गर्दिश करते हुए देखा जा रहा है। वाकई इसमें सच्चाई है तो बात बहुत ही संगीन है, इसे समझने की जरूरत है। इसके पीछे सियासी मंसूबा हो सकता है, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है, पर क्या गांजा फरोख्त करने वालों के पीछे सियासी लीडर और वर्दी वालों की पुष्टपनाई हो तो समाज में बढ़ती बुराइयों को कैसे रोका जा सकता है? इस हकीकत से भी नजरें चुरा नहीं सकते कि इख्तदार पजीर हुकूमतों का इंतजामिया पर तसल्लुत रहता है। मॉरल पुलिसिंग की वारदातें भी बढ़ चुकी है। मुजरिम अगर किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला होता है तो पुलिस का रवैया मुजरिमों को लेकर कुछ हद तक नर्म रहता है। बड़े बड़े लीडरों के फोन आने से वर्दी में मोहतात होने के वाकये बारहा देखे जा चुके हैं। फिल्मों में अक्सर वर्दी में पुलिस के किरदार को दिखाया जाता है जो माशरे का एक तरह से अक्स ही होता है। इसके बावजूद भी कुछ थानों में आवाम को लेकर सख्त रवैया देखने को मिलता है। आखिर क्या बात है कि मुजरिमों को कानून का डर नहीं रहता? क्योंकि इसे मालूम है कि हमारे पीछे फला लीडर का हाथ है और इसी दोराहे की वजह से लोग अक्सर हादसा होने के बाद भी पुलिस थानों की तरफ रुख करने से बचने की कोशिश करते हैं। और अगर मुकदमा किया भी जाए तो अदालत में तवील वक्त लगता है। उमूमन तारीख पे तारीख का तजुर्बा अक्सर लोगों को हुआ है। कुल मिलाकर मुजरिम, वर्दी और फिर सफेद पोश सियासी लीडरों का गठबंधन अवाम को इंसाफ न मिलाने का यकीन दिलाता रहता है। जरूरत खाकी को खादी की जी हुजूरी करने से बचना चाहिए और इसी जी हुजूरी की वजह से कुछ अफसरान बरसों तक एक ही पुलिस थाने में खिदमात अंजाम देते रहते हैं। अब तो भाजपा के लीडरों पर इंतजामिया और अदलिया पर कब्जा करने का इल्जाम भी लगाया जाता रहा है।
चुनाव नजदीक है। इतला के मुताबिक बेलगाम दक्षिण में रमाकांत कुंडुस्कर समिति से उम्मीदवारी दर्ज कर रहा है, तो भाजपा के अभय पाटिल से मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस भी यहां पर मैदान में रहेगी और इसी पस मंजर में मौजूदा सरगर्मियां देखी जा रही है। जो भी हो, पर बात सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। आला अफसरान को चाहिए कि किसी भी पुलिस थाने का अफसर किसी सियासी लीडर के खुशामद में झूठे मुकदमे दर्ज कर डराने की कोशिश कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इंतजामिया आवाम को किसी के कहने पर डराने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ दिलाने के लिए है। और पुलिस थाने की कुर्सियां रुपया कमाने के लिए नहीं बल्कि किसी गरीब पर हो रहे ज्यादती को रोकने के लिए। और वर्दी पहनते वक्त कसम भी जिस संविधान की लेते हैं इसका एहसास भी जरूरी है, ताकि आवाम किसी और की चौकट पर जाने के बजाय पुलिस थाने का रुख कर सके। ऊपर हमने पुलिस पर उठते सवालों पर बात की, थोड़ा और आगे बढ़कर अब अदालत क्या कह रहा है। रोजाना हर कोई किसी एक समाज को लेकर कुछ भी बोल देता है, लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने बंबई में जन आक्रोश मोर्चा को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी अब नजरअंदाज किया जा रहा है और कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि उसके हुक्मों के बावजूद नफरत फैलाने वाले बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसने कहा कि अगर अदालत को ऐसे बयानों पर रोक लगाने के वास्ते आगे हुक्म देने के लिए कहा गया तो उसे बार बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए 5 फरवरी को मुनक्किद किए जाने वाले इजलास पर रोक लगाने की मांग वाले पिटीशन पर फौरी सुनवाई का जिक्र किया गया, वाजा रहे कि 5 फरवरी को हिंदुत्ववादियों की जानिब से भाजपा की हिमायत से जन आंदोलन मोर्चा रखा गया है, इस पर रोक लगाने की पिटीशन दाखिल की गई। पिटीशन शाहीन अब्दुल्ला नाम के मुस्लिम शख्स ने दाखिल किया। और तवज्जो के काबिल यह है कि अदालत ने पिछले 21 अक्टूबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को नफरत फैलाने वाले बयानों पर कड़ी कार्रवाई करने, मुजरिमों के खिलाफ शिकायत का इंतजार किए बिना फौरन मामला दर्ज करने का हुक्म दिया था, लिहाजा इसके बाद भी जो चाहे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखने को मिल रहा है। खुले इजलासों में मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां इज्तिमाही तौर पर दी जा रही है बजाय गिरफ्तार करने के शिकायत दर्ज करने का इंतजार पुलिस करती है, इस पर भी अदालत ने एतराज दर्ज किया। लिहाजा इसे अदालत की तौहीन कहते हुए इसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा। बार एंड बेंच के मुताबिक पिटिशनर शाहीन अब्दुल्ला नाम एक शख्स के जरिए दायर की गई है। उनकी अर्जी में कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में कई इजलास और रैलियां हुई है, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भी इस तरह के इजलासों में इजाफा हो चुका है, जिसमें मुस्लिम समाज के माशी और सामाजिक बायकॉट का खुला ऐलान किया गया और पूरे मुस्लिम समाज को मुजरिम बताते हुए लैंड जिहाद और लव जिहाद के सीधे इल्जाम लगाए गए। अब्दुल्ला ने कहा है कि ऐसे इज्तमाई इजलास, रैलियां जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, वे हुकूमत की इजाजत और जानकारी के साथ ही मुनक्कद की जाते हैं। बीते 29 जनवरी को बंबई में हिंदुत्व तंजीमों के सकल हिंदू समाज के हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के बैनर तले हुई रैली में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए टी राजा सिंह ने मुसलमानों को मारने काटने का खुला ऐलान किया था। एक बार फिर से इस तरह का जुलूस और इजलास का एहतमाम जन आंदोलन मोर्चा के जरिए किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों को जमा कर नफरती माहौल को एक समाज के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आज इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया देखने को मिला। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज में भी एक तरह अदालत को लेकर भरोसा जागता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत के कई फैसलों के बावजूद भाजपा या हिंदुत्व लीडरान नफरती बयान से बाज नहीं आ रहे थे। इससे एक बात बेलगाम वालों को भी जहन में लेने की जरूरत है कि जो भी बेलगाम और अतराप में मुस्लिम समाज को लेकर बयान देता है इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत से मुतालबा करें, और अगर इंतजामिया या पुलिस किसी सियासी लीडर के दबाव में काम कर रही है तो आवाज को ऊपरी अदालत तक पहुंचाकर उन पुलिस अफसरान पर भी कार्रवाई करने का मुतालबा करें। उमूमन ये देखा जाता है कि मुस्लिम समाज हर मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए, छोटी सी बात को भी अगर अदालत का दरवाजा खटखटा जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ मिल सकता है। यो खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। और साथ में मस्जिदों में जुमा के खुतबों में हालात का जिक्र करते रहे, वुजू गुसूल के फराइज से बाहर आकर मौजूदा दौर के फिरौनों का जिक्र करे, वरना हालात और बदतर बनेंगे और आने वाली नस्ल हमारी खामोशी पर मातम करेगी, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।